हमारी काउंसिल के तेलंगाना के चार अमीर फिरासत अली साहब जिनकी खानकाह में हम लोग आपसे मुखातिब हो रहे हैं। जब भी दुनिया में वबा का दौर आया है या दुनिया इंसानियत परेशान हाल हुई है, ये इसलिए ख़ासतौर से हमारे मुल्क की देखी जा सकती है कि खानकाहें जिनको मठ कहा जाता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वो हमेशा आगे आए हैं लोगों की मदद के लिए, एक इंसानियत का जज्बा लेकर के। और वही दौर हमारी काउंसिल का एम एंड ऑब्जेक्ट ये है कि वही दौर वापस लाया जाए। कोरोना का दौर आपने देखा है, पिछले 2 साल से तमाम आलम में मतलब पूरी दुनिया परेशान है, ख़ासतौर से हमारे मुल्क में जो सेकेंड वेव का जो असरात देखे गए हैं, मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई हमें से होगा जो परेशान हाल ना हो। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए जो टीवी वीडियो देख करके लोग परेशान रहे, हर इंसान के दिल में एक खौफ बैठ गया था कि कब क्या हो जाए। ऐसे दौर में जिन लोगों ने अपनी जान हथेली पे रख करके लोगों की मदद करी है और सड़क पे 24 घंटे हमारी निगरानी के लिए खड़े रहे, हमें बुरा ज़रूर लगा। वो टीम अगर इस मुल्क में कहीं देखा जाएगा तो पुलिस अमला है। पुलिस ने, इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी फैमिली है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपनी जान हथेली पे रख करके अपने फ़र्ज को सबसे ऊपर रखते हुए हमारी खिदमत के लिए, हमें बुरा ज़रूर लगा, कई लोगों को बुरा लगा कि पुलिस हमें डांट रही है या हमें ज़बरदस्ती अंदर होने, लेकिन वो हमारे फ़ायदे के लिए इन्होंने सख्ती करी। आज हम लोग आपके सामने खैरियत से बैठे हुए और मेरे जैसे तमाम लोग अपने घरों में खैरियत से बैठे हैं कि पुलिस की सख्ती रही, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस खानकाह से ऑल इंडिया सूफी सज्जादा मशीन काउंसिल की तरफ से एक शुरुआत जो की गई है, इसमें सबसे अच्छा कंसेप्ट मुझे ये लगा कि जो कवाद हैं, जो खानकाही कवाद हैं, जो खानकाहों पे जिनकी रोजी रोटी की हुई है, क्योंकि दरगाहें मठ सब बंद है, ना तो कुछ हो पा रहे हैं ना कुछ हो रहा है, तो उनकी इमदाद के लिए खानकाह आगे आई है। और दूसरा, जो पुलिस के जो नौजवान हैं जो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे हमारी जान माल की हिफाजत के लिए, उनको इमदाद करने के लिए ये खानकाह गए हैं। बुजुर्गों का ये दस्तूर जरूर रहा है कि एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता ना लगे, लेकिन हम ये मीडिया के जरिए इसलिए आप सामने बैठे हैं, हमारा मकसद इसमें से इतना है कि हम चाहते हैं कि हमारी ऑल इंडिया सूफी सज्जादा मशीन काउंसिल पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में है, तो यहाँ से एक शुरुआत कर रहे हैं और हर स्टेट में हम चाहते हैं कि जितनी दरगाहें खानकाहें हैं वो अपने अपने इलाकों में पुलिस को भी हेल्प करें, पुलिस के जो कॉन्स्टेबल्स हैं उनकी फैमिली उनको लुक आफ्टर करें, और खासतौर से जो खानकाही कवाल हैं उनकी फैमिली को लुक आफ्टर करें, आम लोगों के लिए तो मदद करेंगी। आज ये शुरुआत इनकी खानकाह से शुरू की गई है। मेरे फियाज़ अली शुतारी साहब, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर अतुल भाई काजी साहब बैठे हैं, हुसैन खान साहब बैठे हैं, लियाकत अली रिजवी साहब बैठे हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम जिम्मेदारान यहाँ वक्त निकाल कर आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी काउंसिल के बिहाफ पे, इस खानकाह के बिहाफ पे। और हम आप लोगों को भी यकीन दिलाते हैं, हमारे MLA साहब भी बैठे हैं, DCP साहब भी बैठे हैं, कि हमारी तरफ से, आम लोगों की तरफ से, रिलीजियस लीडर्स की तरफ से आप लोगों को पूरा ताउन रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो जो देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप लोगों का ये चैनल जाएगा, उनसे भी अपील करता हूँ, कोरोना अभी गया नहीं है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीनेट कराना चाहिए। या जितने लोग बैठे हैं, मैं खुद भी, हम सब लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, तो वैक्सीन के लिए सोशल मीडिया पे जो गलतफहमियां फैलाई जा रही उससे भी बचें, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, और पुलिस का, सरकार का, हुकूमतों का ताउन करें इस वबा से लड़ने के लिए और लोगों की इमदाद के लिए आगे आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आज
जिस उनवान से ये कदम सजाई गई है, मौलाना मेरे बरदर अजीज़ मौलाना मीर फरासत अली शुतारी साहब सजानशीन मुतवली दरगाह दरवाज़ा के जद्दे आला हजरत सैयद जमालुद्दीन खादी रहमतुल्लाह शुतारी रहमतुल्लाह अलैह के 202 उर्स मुबारक के सिलसिले में आज हवाल हजरात और पुलिस अदारों को राशन किट की तकसीम अमल में आ रही है। इस आस्थाने से ऑल इंडिया सूफी सजानशीन काउंसिल और अंजुमन सजागान मुतवलियान खिदमत गुज़ारान वक्फ की जानिब से मौलाना फिरासत अली शुतारी साहब ये किट दे रहे हैं। इस बज़्म में बहैसियत मेहमान खुसूसी हमारे दरमियान हजरत मौलाना सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती मजीदुल अली नामजद जानशीन व नामजद दीवान हजरत दीवान साहब किबला अजमेर शरीफ तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। और दीगर पुलिस अहदेदार और जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब और नेशनल कोऑर्डिनेटर वहीद पाशा साहब की तशरीफ़ फरमा है। मैं बिला ताखीर क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, मैं कलिमात के साथ हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिराग नसीरुद्दीन चिश्ती साहब किबला मस्जिद से ज़ेवत ख़िताब देता हूँ कि इस बंद उस्मान को खातिर फरमाए। मैं बरदर अजीज मौलाना मीर फरासत अली शुतारी साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सूफी सजानशीन काउंसिल इंचार्ज तेलंगाना आंध्र प्रदेश ऑल इंडिया सूफी सजानशीन काउंसिल से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो मेहमान खुसूसी गुलबशी फरमाए। हमारे दरमियान एडिशनल डीसीपी साहब एआर राव साहब और कौसर मोहिउद्दीन साहब मुतल्लिका एमएलए कारवान उनकी गुलपोशी हो रही है। मेरे बरदर अजीज मौलाना कौसर मोहिउद्दीन साहब की गुलपोशी फरमा रहे हैं, शाह पोशी फरमा रहे हैं। जी। अब डीसीपी साहब एआर श्रीनिवास साहब की गुलपोशी और शाह पोशी हो रही है और जनाब इकबाल सिद्दीकी साहब एडिशनल गुलपोशी शाह पोशी कर रहे हैं। डीसीपी साहब नरेंद्र अली साहब एसीपी साहब जो है गोशा महल गुलपोशी और शालपोशी हो रही है। अब स्टेशन ऑफ करूंगा, चंद कलिमात फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। तशरीफ़ फरमा मेहमान खुसूसी अजमेर शरीफ के दीवान जी और ऑल इंडिया काउंसिल के तमाम सूफी हज़रात और हैदराबाद वेस्ट जोन के हमारे जॉइंट सीपी साहब श्रीनिवास साहब और एडिशनल डीसीपी जनाब अहबाज सिद्दीकी साहब गोशा महल एसीपी साहब नरेंद्र रेड्डी साहब इंस्पेक्टर कुसुमपुरा जनाब शंकर साहब और यहाँ पर आए हुए तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर से इस बारगाह के जिम्मेदार सुताई साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ पर आज एक छोटा सा का जो प्रोग्राम रखे जिसके अंदर हवाल हजरात को और साथ ही साथ चंद हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग को यहाँ पर जो भी इन तमाम से जो हो सकता वो अभी एक ही तौर पर दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ अभी हमारे दीवान जी ने आपको तफसीलात बताए कोरोना के ताल्लुक से हो या वैक्सीन के ताल्लुक से हो, मैं तमाम से अपील करता हूँ क्योंकि आज के हालात को तमाम को मद्देनज़र रखते हुए और ख़ास तौर से एहतियात करने की ज़रूरत भी है और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी हजरात बैठे हुए तमाम से बुजुर्गानों से और सूफी हजरात से मैं अपील करता हूँ आप हमारे शहर हैदराबाद तेलंगाना और हमारे हिंदुस्तान के लिए तमाम की सेहत के लिए दुआ कीजिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर उनको जो बुलाकर टाइम दिए, उन तमाम सूफी हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया खुदा। अब मैं जनाब अहबाज सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा अपने ख्याल का इजहार फरमाएं।
अस्सलाम वालेकुम। आज के मेहमान खुसूसी मौलाना नसीरुद्दीन साहब दीवान अजमेर शरीफ दरगाह, हमारे हरदुल अजीज एमएलए कारवान कौसर साहब, हमारे दोस्त और हमारे सीनियर शुतारी साहब, डीसीपी मेजोन साहब, मेरे कॉलीग नरेंद्र रेड्डी साहब और शंकर इंस्पेक्टर कुलसुपुरा। मेरा डिपार्टमेंट से आने से पहले से शुतारी साहब से ताल्लुकात है, दोस्ताना है, और उसी ताल्लुक से जब साहब को मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर एडिशनल डीसीपी का काम अंजाम दे रहा हूँ मेजोन में, तो वो परसों आकर हाजिर होके रिक्वेस्ट किए थे कि एक छोटा प्रोग्राम कर रहे हैं इनके बारगाह में, यहाँ पर दरगाह में। ये 202 उर्स का है, क्योंकि कोविड नॉर्म्स के तहत उर्स नहीं कर रहे हैं, कोविड नॉर्म्स फॉलो करते हुए, तो जो भी सरमाया था तो एज अ टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन वो सोचे कि थोड़े जो लोग मुस्तैफ हैं उनको बांटेंगे और अपनी खुशियाँ शेयर करेंगे। हमारे साथ हमारे डी सी से मिलाया था, हमारे साथ भी बहुत रेडिली एग्री हो गए कि अच्छा प्रोग्राम है, कि ये यहाँ पर एंकरेजमेंट है पुलिस का, इसलिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। आज सुबह से इतना बिजी शेड्यूल रहने के बाद भी डी सी साहब टाइम निकाले और यहाँ पर आए। मैं शुतारी साहब का और जो भी ये दरगाह से मुतालिक लोग हैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारा सर्विस रिकॉग्नाइज करें ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, और हमारी इज्जत अफजाई के लिए यहाँ पर बुला के ये फंक्शन करें। शुक्रिया, थैंक यू। अब मैं जनाब के आर श्रीनिवास साहब से गुजारिश करना चंद कलिमात फरमाए, जरा अपने ख्याल का इजहार फरमाए।
अभी जब बोल रहे थे कि ये शुरुआत है, इसमें आगे आके पुलिस के लिए भी अच्छा इंस्पायरिंग एक स्पीच दिया। वी आर रियली थैंकफुल हमारे पुलिस के बेजोर पुलिस और स्पेशली गुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन की तरफ से, मैं सब लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। अपने अपने तरीके से लोगों को इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। उम्मीद है फिर आसमानी सुतारी साहब ने इस खानकाह से जो शुरुआत की है उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि जो कवाल हैं, जो खानकाह ही कवाल है, क्योंकि पिछले दो साल से जो भी सालाना वो सारे हैं हर खानकाह पे, अजमेर की भी देख लें आप, दूसरी जगह देख लें, वहाँ पर उस कोविड गाइडलाइन के तहत मनाए जा रहे हैं। और कवालों की जो मेन आप समझते हैं जो आमदनी होती है, जो जो अपने कलाम पेश करते हैं महफिल तमाम है, वो नहीं कर पा रहे ना ही उनकी आमदनी, तो उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें इन्होंने शुरुआत करी है कि कवाल फैमिलीज जो हैं खानदे कवाल हैं उनको मदद करी है, और इस एरिए के जो अतराफ के जो पुलिस मुश्किल है यहाँ के जो सिपाही हैं या कॉन्स्टेबल्स हैं या कुछ लोगों की फैमिली को भी इन्होंने, ये अपने आप में बहुत बड़ी शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत। हम चाहते हैं काउंसिल पूरे हिंदुस्तान में जाना, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे हैं वो भी इस तरह शुरुआत करें, क्योंकि पुलिस भी अपने हथेली पे जान लेके पूरे दो साल के दौर वबा के दौर में हमारी हिफाजत के लिए रोड पे खड़ी रही, उनका भी परिवार है, उनकी भी फैमिलीज हैं, सबके हालात ख़राब हैं, सबको अपने अपने तरीके से मदद करना चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे को ये नहीं भूलना चाहिए कोविड अभी हमारे बीच में है, तो मास्क का जो गाइडलाइन उसको फॉलो करें, कोविड प्रोटोकॉल जो हमें दिया गया है उसको फॉलो करें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट कराएं। वैक्सीनेशन के लिए जो तरह तरह की बातें उड़ाई गई हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, उन बेतुकी बातों पर ध्यान ना दें, वैक्सीनेशन से ही इस कोविड 19 का बचाव है। हम लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, आप लोग भी कराएं, जितने लोग आपके ज़रिए देख रहे हैं हम सबसे अपील करते हैं कि जल्द से वैक्सीनेशन कराएं, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बचाएं, माशरे को बचाएं, और इस मुल्क को इस वबा से, इस वबा को इस मुल्क से ख़त्म करें, उसमें अपना ताउन। कितने डिस्ट्रीब्यूट करें आप राशन कितने आप? इसमें 155 फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्होंने, एक पैकेज पूरा बनाया गया जिसमें पूरा महीने भर का सामान है, और उसमें से कुछ कवाल फैमिलीज़ को दिया है और कुछ जो यहाँ के PSO को है, कुलतुमपुरा PS जो एरिया है वहाँ के स्टाफ को दिया है।